हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट चैनल हबीबुर सार्स एकेडमी। देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड पार्ट है वो। तो इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है यानी कि नाउन वो मैंने पढ़ा चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ये जो सेकंड पार्ट है इसको कहते हैं प्रोनाउन। पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को समझेंगे। ओके, ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या क्या आता है अब हम देखेंगे। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड आता है। एक आता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, एक आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी का एक सब कैटेगरी है एम्फैटिक प्रोनाउन। और एक आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और एक आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, और एक आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और एक आता है रिलेटिव प्रोनाउन, और एक है पोजेसिव प्रोनाउन। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ पार्ट्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो पार्ट वन ना देखा हो वो इस लिंक के जरिया से वो वीडियो देख सकता है और वो जो पार्ट्स है उसके बारे में वो समझ सकता है। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में आज जो रिमेनिंग पार्ट है जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डिस्कशन करने के पहले मैं ये आपको एक जानकारी दूंगा कि कोई भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो ग्रामर के ऊपर में मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन उसे मिल जाएगी। ओके, तो आज हम एक एक करके इस टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। इट इज ए वर्ड दैट रिफर्स टू ए नाउन मेंशन्ड बिफोर। ओके, एंड इट ऑल्सो जॉइंस अ टू सेंटेंस। तो ये वो वर्ड होता है जो नाउन पहले वाला नाउन को मेंशन करता है, वो पहले वाले नाउन को वो रिलेट करता है, उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो और वो दो सेंटेंस के बीच में एक संबंध स्थापित करता है वो। ओके, तो कैसे संबंध स्थापित करता है हम एग्जाम्पल के जरिए से हम देखेंगे। उसके पहले देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है, जैसे दैट है, व्हिच है, हु है, होम है, हूज है। हम इन वर्ड को कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे संबंध स्थापित करता है देखते हैं। आई हैव लॉस्ट द बुक दैट ही गेव मी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है दैट। ये दैट जो पहले वाला नाउन है उसको रिलेट करता है, कौन सा नाउन यानी कि बुक। आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने वो किताब को खो दिया हूँ। ओके, कौन सा किताब, कौन सी किताब। ये वाला जो सेंटेंस है ना एक संबंध स्थापित करता है कि दैट ही गेव मी, जो उन्होंने मुझको दिया था। तो ये वाला जो वर्ड है पहले वाला नाउन को मेंशन करता है, रिलेट करता है, और ये दो सेंटेंस के अंदर में एक संबंध कायम करता है कि क्या संबंध, कि कौन सा किताब मैंने खो दिया हूं, ने जो किताब उन्होंने मुझको दिया था। ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, देन द मैन हु हैड चीटेड मी वॉज अरेस्टेड। देखिए यहाँ पे एक नाउन है मैन। ओके, और एक वर्ड है जो यहाँ पे यूज किया गया वो है हु। ओके, ये हु इस मैन को इंडिकेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे डबल सेंटेंस है, द मैन वॉज अरेस्टेड, ये एक सेंटेंस है। हु हैड चीटेड मी, जिन्होंने मुझको चीट किया था। मैन वॉज अरेस्टेड, मैन को अरेस्ट किया गया। हु हैड चीटेड मी, जिन्होंने मुझको चीट किया था। तो देखिए ये जो हु है ये पहले वाला नाउन को रिलेट करता है और उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है, कौन सा मैन अरेस्ट किया गया। अभी संबंध स्थापित करता है कि वो हु हैड चीटेड मी, जिन्होंने मुझको चीट किया था। ओके, तो ये वाला जो वर्ड है वो पहले वाला नाउन को रिलेट करता है और दो सेंटेंस के अंदर में एक संबंध स्थापित करता है, इसलिए हम इसे भी कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद देखना है कि पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है।
ये पॉजिटिव प्रोनाउन का हिंदी में इसका मीनिंग आता है कि अधिकार सूचक सर्वनाम। अधिकार सूचक सर्वनाम का मतलब होता है ये वर्ड सिर्फ पोजिशन को इशारा करेगा और ओनरशिप को इशारा करेगा। देखिए इसका डेफिनेशन क्या आता है, द वर्ड व्हिच रिफर्स टू द पोजिशन और ओनरशिप। ओके, द वर्ड व्हिच रिफर्स टू द पोजिशन और ओनरशिप। अगर वो वर्ड किसी पोजिशन या ओनरशिप को रिफर करेगा, इंडिकेट करेगा, लेकिन द वर्ड विल नॉट फॉलो द नाउन, मगर वो वर्ड जो है ना नाउन के पीछे पीछे नहीं आएगा, वो नाउन को फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि पोजिशन को इंडिकेट करेगा मगर नाउन के पहले नहीं आएगा। अगर नाउन के पहले आ जाता है तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल में, दिस इज माई बुक, तो ये मेरा किताब है। देखिए माई ये वाला एक नाउन है, ये वाला जो माई है ये नाउन के पहले है। ओके, अगर ये नाउन के पहले है, ये वाला माई किसी पोजिशन को इंडिकेट करता है, लेकिन इस पोजिशन को मैं कहूँगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, द वर्ड विल नॉट फॉलो द नाउन, मगर वो वर्ड जो है पोजिशन को इंडिकेट करेगा मगर नाउन के पहले नहीं आएगा। जैसे दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक इज माइन, ये वाला जो माइन वर्ड है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। ये अधिकार सूचक शब्द है, यानी कि पोजिशन को इंडिकेट करता है मगर नाउन को फॉलो नहीं करता। ओके, तो ये माइन हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, उसके बाद देखते हैं दिस इज योर पेन। ओके, तो दिस इज योर पेन, ये वाला जो योर है एक पोजिशन को इंडिकेट करता है, कौन सा पोजिशन, यानी कि पेन, यानी कि नाउन वाला पेन का पोजिशन। ये वाला पोजिशन नाउन के पहले आने के वजह से, नाउन को फॉलो करने के वजह से इसे मैं कहूंगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, अब देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा वर्ड होगा। दिस पेन इज योर्स, ये वाला कलम तुम्हारा है, ये वाला जो योर्स हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ड किसी पोजिशन को इंडिकेट करता है मगर नाउन को फॉलो नहीं करता। ओके, इस तरीके से माइन योर्स को कहा जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, उसके बाद देखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब देखना है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। ओके, द वर्ड दैट डिनोट्स म्यूचुअल एक्शन। ओके, ये म्यूचुअल एक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर म्यूचुअल एक्शन से कोई काम होता है, उस काम के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उस वर्ड को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, तो कौन सा वर्ड है जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक आता है ईच अदर और एक आता है वन एनदर। ओके, तो एक दूसरे से मिलके हम कुछ काम करते हैं, या दो तीन चार कुछ लड़का है या लड़की है आपस में मिलके कुछ काम करते हैं, ये जो आपसी काम होता है इसका नाम होता है म्यूचुअल एक्शन। ओके, ये जो आपसी काम दो के बीच में होता है या दो से ज़्यादा के बीच में भी होता है। देखिए ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन, अगर दो पर्सन के अंदर में म्यूचुअल एक्शन होता है तो उस केस में हम यूज करेंगे ईच अदर। ओके, वन एनदर इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन। ओके, अगर दो से ज़्यादा पर्सन हैं और उनके अंदर में कुछ काम किया जाता है उस केस में हम वन एनदर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ईच अदर वन एनदर को कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए एग्जाम्पल, द टू फ्रेंड्स लव्ड विथ ईच अदर। देखिए यहाँ पे है टू फ्रेंड्स, यहाँ देखिए टू फ्रेंड्स एक दूसरे से लव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या यूज किया, ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे टू पर्सन के बारे में कुछ कहा गया। ओके, उसी तरह द विलेजर्स शुड हेल्प वन एनदर। देखिए द विलेजर्स, गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे मीन्स मोर देन टू, अगर मोर देन टू में कुछ होता है, मोर देन टू के बीच में कुछ किया जाता है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, वन एनदर, यानी कि द विलेजर्स शुड हेल्प वन एनदर। ओके, तो ये वाला वन एनदर और ईच अदर इसे कहा गया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, उसके बाद हमको देखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब देखना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है।
ओके, देखिए जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसका डेफिनेशन क्या आता है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट आस्क्स क्वेश्चंस। कोई भी वर्ड अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो जैसे हु है, व्हिच है, व्हाट है, एटसेट्रा, ये वर्ड को हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके, अगर इन वर्ड को क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है तो इन्हीं वर्ड को कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कैसे, हु इज योर फादर, ये जो यहाँ पे हु लिखा है, तुम्हारा बाप कौन है, वो यानी कि तुम्हारा बाप कौन है, ये जो हु के प्लेस में कोई नाउन छुपा हुआ है जिस नाउन को ये पूछता है कि तुम्हारा बाप कौन है, ये हु वाला वर्ड तो किसी क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, व्हिच इज योर बुक, तुम्हारा किताब कौन सा है, तो यहाँ पे व्हिच एक सवाल पूछता है कि तुम्हारा किताब कौन सा है, तो यहाँ पे एक नाउन छुपा हुआ है जिसको वो पूछ रहा है कौन सा तुम्हारा किताब है, ये जो कौन सा यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में वो पूछ रहा है इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, उसी तरह व्हाट इज योर फादर्स नेम, ओके ये वाला जो व्हाट है ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, सब वर्ड को जैसे हु, व्हिच, व्हाट को कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अब देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, वो कौन सा वर्ड है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, इन वर्ड को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्योंकि ये बहुत सारों में से किसी एक एक करके इंडिकेट करता है। जैसे ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए रिवॉर्ड, ईच ऑफ द मैन, मैन तो बहुत सारे हैं, उनमें से हर एक रिवॉर्ड पाया था। ओके, तो यहां देखिए मैन तो बहुत सारे हैं, उनमें से हर एक को रिवॉर्ड दिया गया और हर एक रिवॉर्ड पाया था, तो हर एक रिवॉर्ड पाया था, ये जो ईच वर्ड है इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 4,000 रुपीज, ईच 4,000 रुपीज, तो दीज हॉर्सेस, तो यहां तो हॉर्सेस बहुत ज्यादा है। ओके, हॉर्सेस बहुत ज्यादा है मगर हर एक हॉर्स का कॉस्ट बनता है 4,000 रुपीज। ओके, तो ये बहुत सारे हॉर्स में से हर एक हॉर्स का कॉस्ट को इंडिकेट करता है, तो जब बहुत सारे में से किसी एक को इंडिकेट करता है तो हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, इस वीडियो लेक्चर को आप सुनिए, देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मगर इसको दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।